जी गुरुदेव, आज हम ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे आपने कभी ना कभी जरूर फेस किया है। जब भी दूसरे लोग कुछ अपशब्द बोल देते हैं आपके बारे में, आपको कैसा फील होता है? जी हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। बहुत सारे लोग तो इसीलिए खुश ही नहीं हो पाते कि लोग क्या कहेंगे। किसी की कोई बात सुन ली तुरंत दुखी हो जाते हैं। इसी तरह से आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एक लड़की की शादी हुई। शादी के बाद सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अपने पति और सास के साथ बड़े ही प्रेम से जीवन यापन हो रहा था। लेकिन कुछ ही महीने बाद एक बुआ जी आई। उनसे उसकी सास बातें करती थी, तो एक दिन सुना बहू ने कि सास कुछ बोल रही थी बहू के बारे में, या फिर बुआ जी बोल रही थी। जब ये बात बहू ने सुन ली तो वो बड़ी ही दुखी रहने लगी। धीरे धीरे वो अपने सभी रिश्तेदारों से कटने लगी, अपने घर वालों से कटने लगी। एक दिन दुखी होकर अपने पति से बोली कि अब मैं जीना नहीं चाहती, मैं मर जाना चाहती हूँ। तब उसका पति बहुत ही सदमे में आ गया। वो उसको एक गुरुदेव के पास ले गया। बोले, बड़े ही चमत्कारी गुरुजी हैं, आपका विषय का जरूर समाधान मिलेगा। ले गया। अब जब वहाँ पर पहुँचा, उस लड़की ने पूछा तो गुरुजी बोले, ठीक है मैं उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन एक काम करो, ये कुछ बर्तन हैं, पहले इन बर्तनों को साफ करके लाओ। लड़की बोली, जी गुरुजी अभी लाती हूँ, लेकिन एक शर्त है। गुरुजी बोले, एक शर्त है बेटा कि बर्तन साफ करते समय बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। उसने कहा, ठीक है। अब गई, बर्तन सारे के सारे साफ सुथरे थे, लेकिन उसमें एक भगोना ऐसा था जो पीछे से बहुत गंदा था और बहुत भारी था। सारे बर्तन आराम से साफ हो गए, लेकिन जब उस भगोने की बारी आई तो हाथ में लेकर साफ कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। और जब भी जमीन पर रखती थी तो आवाज़ ज़रूर आती थी। बहुत घंटे बीत गए, लड़की ने बहुत कोशिश की उसे साफ करने की, लेकिन भगोना साफ नहीं हुआ। वापस आ गई, बोली, गुरुजी बर्तन साफ हो गए। गुरुजी बोले कि इसमें भगोना भी था बेटी, वो कहाँ है? उसने कहा, गुरुजी बिना आवाज़ के उसे साफ करना मुश्किल था, वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था, वो नामुमकिन था, उसे मैं साफ नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे मैंने छोड़ दिया। गुरुजी बोले, यही है तुम्हारे विचारों का उत्तर। जब आप दूसरों के विचारों पर या किसी की सोच पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाते, तो आप उसको छोड़ दो, उससे थोड़ा दूर हो जाओ। जैसे कि उस भगोने पर जब तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहा तो उसे तुमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यदि वहीं पर उस भगोने को तुम साफ करती रहती तो वो भगोना बिना आवाज़ के होता या ना होता, लेकिन आसपास के जो और बर्तन थे तुम्हारे साफ किए हुए, वो भी धीरे धीरे गंदे हो जाते। ये बात तुम्हें समझ में आ गई थी, तुमने और बर्तनों को समेटा और मेरे पास आ गई। इसी तरह से जीवन में जब आप देखेंगे ना, अपशब्द बोलने वाले कुछ चंद लोग हैं जिनकी वजह से आप सारे समाज से, सारे घर से, अपने परिवार से, अपने पति से रिश्ते खराब करते हैं। आप उनसे रिश्ते क्यों खराब कर रहे हैं? आप उन चंद लोगों को ढूंढकर उनसे थोड़ी दूरियां बना लीजिए, उनको अपने से थोड़ा दूर कर दीजिए। अपना एक ऐसा दायरा बनाइए जिसके अंदर उनके कोई मायने ही ना हो। यदि आप उन्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकते ना, तो उनका वजूद कम कर दीजिए। यानी वो आपके साथ रहते तो हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या बोलते हैं या क्या नहीं बोलते हैं। आप केवल अपना कर्म कीजिए, अपने और प्यारे मित्रों को, प्यारे दोस्तों को, प्यारे फैमिली वालों को, अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने समाज को, उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि एक भगोने के चक्कर में आप अपने सारे बर्तनों को नहीं खो सकते।
उस समय उस लड़की को गुरुजी के शब्द एक एक अच्छे से समझ में आ गए। वो तुरंत समझ गई कि अब शब्द बोलने वाले केवल और केवल कुछ चंद लोग होते हैं और हम समझते हैं कि सभी लोग हमारे बारे में गलत बोल रहे हैं या ये व्यक्ति जो सबसे बोल रहा है वही सब धारण कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सबको दिखाई देता है। यदि कोई आपकी बुराई कर भी रहा है ना, तो सामने वाला जरूरी नहीं है उस बुराई को एक्सेप्ट करेगा ही। उसको जो दिखता है उसका दिमाग उसे वही एक्सेप्ट कराता है। यदि आपकी सास आपकी बुराई करती हुई है, तो यदि आपकी बुआ जी को ये समझ में आ रहा है कि बहू ऐसी नहीं है, तो वो सामने तो हाँ बोलेंगी लेकिन उस बात को मानेंगी नहीं। उनका दिल दिमाग उन्हें ये बात मानने नहीं देगा। इसलिए अपने जीवन पर अपने कर्मों पर ध्यान रखें और जो लोग अपशब्द बोलते हैं उनसे थोड़ी दूरियां बनाएं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, उनका दायरा अपने दायरे में ना आने दें, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो ये थे आज के विचार। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले विचार के लिए।